बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैं तीन आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि सेल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये साइकोलॉजिकल टिप्स हैं, इनको अक्सर व बेशतर वेरियस सेलिंग के इंस्टेंसेस में, इवेंट्स में, सिचुएशंस में इसको यूज़ किया जाता है और बहुत कॉमन है। तो आप इसको रिटेल में अपने कस्टमर्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ड्रास्टिकली आपकी कस्टमर के साथ आपके कनेक्शन को बेहतर बनाएगी और आपकी सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिकॉज बहुत दफ़ा आपका कस्टमर जो है वो बहुत क्लोज होता है बाइंग डिसीजन के, लेकिन किसी गलती की वजह से, किसी चीज़ की के ठीक ना होने की वजह से वो जो है वो बाइंग डिसीजन नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं वो क्या तीन टिप्स हैं जो कि आपकी सेल्स को या आपके कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इनॉर्मसली इन्हांस करेंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे सेल करने में। सबसे पहली चीज़, मेक इट अबाउट योर कस्टमर, मेक इट अबाउट देयर इमोशंस, मेक इट अबाउट देयर हेल्प, मेक इट अबाउट देयर वैल्यू। जब आप अपने कस्टमर की बात करते हैं, जब आप अपने कस्टमर की कन्वीनियंस की बात करते हैं, तो आप कस्टमर फर्स्ट करते हैं, यानी आप कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि कस्टमर इस वक्त किस माइंडसेट से खड़ा हुआ है, किस चीज़ को वो सीख कर रहा है, क्या चीज़ उसके लिए अहम है, कौन सी वैल्यूज़ वो अचीव करना चाहता है। जैसे हम नॉर्मली वैल्यूज़ की जब हम डिस्कशन करते हैं कि कस्टमर किन वैल्यूज़ को अचीव करना चाहता है, तो उनमें हम बात करते हैं कि वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर प्रॉब्लम, वैल्यू फॉर एस्टीम, वैल्यू फॉर मनी। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको कस्टमर्स अपने उस बाइंग जर्नी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको प्रोडक्ट में लेना चाहते हैं। सो आपने सबसे पहले दो सवालों का जवाब देना है। नॉर्मली जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो कस्टमर के जहन में कुछ अशकाल, कुछ सवाल चलते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए अहम या क्या ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। दूसरा सवाल ये कि क्या वो सोल्यूशन जो ये मुझे ऑफर कर रहा है, क्या ये मेरे लिए या मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही। सो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम दैट अ कस्टमर हैज। आप कस्टमर को ये जानने से पहले कि कस्टमर किस प्रेमिस से आपके पास आया है, किस प्रेमिस से कोई चीज़ आपसे रिक्वायर करता है या आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके पीछे उसका उसकी इंटेंट क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे वो प्रोडक्ट ले रहा है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आप एक इफ़ेक्टिव और एक पावरफुल सेल्स पिच नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑलवेज एंड इट शुड ऑलवेज बी अबाउट योर कस्टमर्स। जब तक आप उनके बारे में नहीं जानेंगे या उनके पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं जानेंगे, उनकी सोच के बारे में नहीं जानेंगे, उनके प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझेंगे, जब तक आप उनको एक बेहतर सोल्यूशन नहीं दे सकते। सो आपने कोशिश करनी है कि अपनी सेल्स पिच में रिफ्लेक्ट करते रहना है, डिमॉन्स्ट्रेट करते रहना है कि आप अपने कस्टमर को इनरिच करने के लिए, उसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप कोई सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो। सो इट शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट दिस पर्सपेक्टिव कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरा और बहुत अहम साइकोलॉजिकल एक टेक्निक कह लें, इसको जो मेथड कह लें जिसको इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली सेल्स में, उसको हम कहते हैं द टूल ऑफ स्केयरसिटी। द टूल ऑफ स्केयरसिटी अक्सर औकात आपने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपने देखा होगा, लिखा होता है लास्ट चांस टू बाय, लास्ट फ्यू पीसेज, या वेरी लिटिल स्टॉक अवेलेबल। और बेशतर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने ये देखा होगा कि एक काउंटर चल रहा होता है जिसके अंदर स्टॉक की अवेलेबिलिटी लिखी होती है कि इसमें जो है वो चार आइटम्स अवेलेबल हैं या पांच आइटम्स अवेलेबल हैं या जितने भी उसमें अवेलेबल होते हैं, वो एक काउंटर, एक क्लॉक एक चल रही होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। एक बड़ा पावरफुल मोटिवेटर है, एक बड़ा पावरफुल ड्राइवर है जो कि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को पुश करता है। अब इसको आप डिटेल में कैसे कर सकते हैं, इसकी ज़रा बात करें। देखिए, स्केयरसिटी ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर को आप हर पॉइंट पे आप स्केयरसिटी के ही एलिमेंट से आप उसको मोटिवेट करें या उसको आप ड्राइव करवाएं सेल की तरफ या एक्शन लेने के लिए उसको मोटिवेट करें। आपने सिंपल आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने उस प्रोडक्ट की
के रिव्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं कि दूसरे कस्टमर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये भी इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, एक हाई इन डिमांड प्रोडक्ट है जो कि वो लेने के लिए हमेशा विलिंग होगा। जब आप दूसरे कस्टमर्स का व्यू, उसके रिव्यूज़ आप उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरे दूसरे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका फीडबैक जो है वो मार्केट में ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ साथ आप ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास लेट से उस प्रोडक्ट की लिमिटेड स्टॉक है, तो आप ये बता सकते हैं कि सर इसका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, या जो भी आपके पास कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो कि रेयर है, आप ये बता सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमारे पास रेयर है और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास आया है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप अभी नहीं लेते तो बाद में ये अवेलेबल ना हो, या इसका जो स्टॉक है ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड रेंज का प्रोडक्ट है, लिहाजा ये दोबारा से हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। सो आप इस तरह की टेक्निक को यूज़ करके स्केयरसिटी को, यू डोंट हैव टू नेसेसरली से एंड टेल द कस्टमर के सर ये बहुत स्केयर्स है या मैडम ये बहुत बहुत कम प्रोडक्ट है, इसका स्टॉक बहुत कम है। तो आपको नेसेसरली उस तरह की बात नहीं करनी होती, बल्कि आपको इनडायरेक्टली अपनी बात में कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ करना होता है जो कि स्केयरसिटी को इंडिकेट करता है या इस बात को इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है और इसे बहुत सारे कस्टमर्स पसंद करते हैं। सो ये था हमारा दूसरा टिप जो कि हम सेल्स में ट्राई करते हैं। और तीसरा जो बहुत अहम और ये बड़ा पावरफुल टिप और टेक्निक है, मेथड है सेल्स को ड्राइव करने का और बाइंग डिसीजन को जल्द से जल्द अचीव करने का, तो इसको हम कहते हैं लेट देम ट्राई इट। अब ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये वाला जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा सेल्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च बताती है कि व्हेन द कस्टमर ट्राई द प्रोडक्ट दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट बाय 75%। सो अगर एक कस्टमर कोई चीज़ को ख़रीदने का इरादा नहीं रखता लेकिन उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो ट्राइंग इट वो ट्राई कर लेता है तो चांसेस आर कि वो उसे यकीनन बाय कर लेगा या 75% उसके चांसेस बाइंग के बढ़ जाते हैं। तो इसको आप अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे कोई व्हीकल, कोई ऑटोमोबाइल कोई लेने के लिए जाता है किसी शोरूम के ऊपर, तो एक दो बात के बाद, उसको समझने के बाद, उसकी इंटेंट को देखने के बाद, कस्टमर की इंटेंट को देखने के बाद कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है कि सर आप एक दफ़ा इसको ड्राइव करके देखें, सर आप एक दफ़ा इसको चला के देखें, आप इसकी कंफर्ट ट्राई करें, आप इसकी इंजन की कैपेसिटी ट्राई, आप इसकी परफॉर्मेंस ट्राई करें। सो ये टेक्निक वैसे परफॉर्मेंस के बारे में या उसकी कंफर्ट के बारे में नहीं होती, बल्कि एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो कि एक्चुअली कस्टमर को बहुत जल्दी कन्विंस कर देती है कि आई वॉन्ट टू ओन दिस प्रोडक्ट। बिकॉज when you personally try something, when you personally drive something, when you personally use a product and you do it with your hands, to aapka uske sath connection mazid establish hota hai and aapko usko buy karne ki jo aapki khwahish hoti hai wo mazid enhance hoti hai, badh jati hai aur aap usko buy kar lete hain ya aap usko buy kar pate hain aur aapki khwahish jo hai wo usme badh jati hai, so you end up buying that product। सो ये तीन टिप्स हम जो है वो नॉर्मली अपने रिटेल के अंदर हम इसको एडवाइस करते हैं कि आप इसको यूज़ करें, यूज़ इट वाइजली, यूज़ इट विद कॉन्फिडेंस, यूज़ इट व्हेन एवर यू रिक्वायर यूजिंग देम। ऐसा नहीं है कि आप हर मोमेंट में इन तीन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ देखें जिस सिनेरियो में आपको लगता है कि इस टिप को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप अनस्टिच फैब्रिक की बात करें तो आस्क देम टू लुक एंड फील द प्रोडक्ट, यानी जब वो लुक एंड फील करते हैं तो द चांसेस ऑफ देम लाइकिंग द प्रोडक्ट गेट्स इवन मोर। व्हेन दे फील दैट देयर इज अ स्केयरसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब आपको लगता है कि यार अब आप जब बताते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है और वो बहुत अपीलिंग डिस्काउंट है, तो चांसेस आर दैट कस्टमर विल फील कि ये स्केयर्स हो जाएगा या ये बहुत जल्दी बिक जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, सो दे मे एंड अप बाइंग इट। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जब आप बताते हैं कस्टमर को कि मैडम सर ये आपके प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करेगा ये, या ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है और आप जिस
पर्सपेक्टिव से इसको यूज करना चाहते हैं, ये उसमें बहुत परफेक्टली फिट होता है। तो कस्टमर फील यू नो इनकरेज, दे फील इनरिच्ड कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज देयर प्रॉब्लम दैट इज गेटिंग सॉल्व। एंड जो पर्सपेक्टिव होता है, जो गार्ड्स होते हैं, जो यू नो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो सेल्स में आती हैं, वो फौरन से जो है वो रिजॉल्व होती हैं एंड द कस्टमर हैप्पीली बाइज योर प्रोडक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर 3 tips, इट शुड ऑलवेज बी अबाउट योर कस्टमर, मेक इट अबाउट देम, मेक इट अबाउट योर कस्टमर, नॉट अबाउट यू और योर टारगेट्स। यस, टारगेट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट देन टारगेट्स विल ओनली बी मेट व्हेन योर कस्टमर्स आर हैप्पी, सैटिस्फाइड एंड व्हेन दे बाय योर प्रोडक्ट। सो ऑलवेज मेक इट अबाउट देम, नंबर वन। नंबर टू, use scarcity at your benefit. Scarcity of the product is good to encourage, to induce the customer to buy your products. And last but not the least is ask them to try your product, make them look and feel, touch the product and feel the essence of the garment, so they can, you know, they can feel the connection with it and they can already make up their mind that yes, I want to buy and I want to feel the experience, or I want to experience the feel of the product when I'm going to buy. So these were 3 tips. I hope aapko ye 3 tips pasand aayi hogi and aap isko yakeenan apni sales ki pitch mein, aapki sales ke process mein isko incorporate karenge aur isko use karenge and you will definitely reap a lot of benefits out of it. Iske alawa agar aapke koi questions hain, koi sawalat hain regarding sales, regarding customer service, retail store, या रिटेल स्टोर की मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो डू कीप मी पोस्टेड, आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन दैट एंड आई गेट बैक टू यू ऑन दैट वन एज वेल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।